लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद अब महाराष्ट्र में महायुति के तीनों प्रमुख दल आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मंगलवार देर रात दिल्ली पहुंचे थे। सुबह उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई। बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह से चर्चा की है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार ने कुल मिलाकर 80 से 90 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कई नेताओं ने ये मांग रखी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम बीजेपी 160 से 170 सीटें लड़े। तो वही दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पार्टी के एक कार्यक्रम में भी प्रमुख नेता रामदास कदम ने भी घोषणा की है कि शिवसेना आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 से कम सीट नहीं लड़ेगी। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जब सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा आगे बढ़ेगी, तो क्या इन तीनों प्रमुख दलों के नेताओं की सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।